नमस्ते, आज हम आपको यूएसए के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत हर घर से कचरा एकत्रित कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। यहाँ के सभी निवासियों को शहर द्वारा जारी कूड़ेदान का उपयोग करना आवश्यक है। निवासियों को यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन करना होता है जिनसे उनके घर से कचरा एकत्र किया जाता है। निवासियों को कूड़ेदान के लिए एक ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत करना होता है। कूड़ेदान के नुकसान को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक निर्दिष्ट कूड़ेदान का रिकॉर्ड रखा जाता है। कूड़ेदानों का रंग और आकार किसी शहर में अलग भी हो सकता है। इस चित्र में जो काले ढक्कन वाला कूड़ेदान है वो कूड़ा और यार्ड वेस्ट जैसे घास की कतरन, खरपतवार, टहनियाँ आदि इकट्ठा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो हरे ढक्कन वाला कूड़ेदान है इस पर रिसाइकल ऑनली लिखा होता है। इसमें रिसाइकलेबल मटेरियल डाला जाता है जैसे बॉटल्स, कैंस, कार्टन्स इत्यादि। जो भी दिन सप्ताह में कचरा उठाने के लिए निर्धारित किया जाता है उस सुबह से पहले नियमानुसार हर घर के निवासी कूड़ेदान में लगे पहियों की सहायता से इसे खींचकर ड्राइववे के साइड में रख देते हैं। कचरा ट्रक जब कचरा ले जाता है उसके बाद कूड़ेदान को वापस घर के निवासी द्वारा रख दिया जाता है। कचरा ट्रक में एक स्वचालित भुजा होती है जो वाहन से निकलती है, कूड़ेदान को चारों ओर से पकड़ लेती है, इसे उठाकर इसकी सामग्री को कचरा ट्रक में डाल देती है और फिर कूड़ेदान को वापस रख देती है। चालक को वाहन से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होती है। यूएस की स्वच्छता के बारे में बताने की ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश। भारत के इंदौर शहर में जिस तरह स्वच्छता अभियान को हर दिन का लक्ष्य बनाया गया है और वेस्ट मैनेजमेंट की जो सुविधाएं अपनाई गई हैं एक सराहनीय प्रयास है। पिछली चार बार से सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिलना अब यहाँ के निवासियों की जीवन शैली को भी परिभाषित करता है। सभी व्यक्तियों के प्रयत्नों द्वारा ही इस प्रकार के परिवर्तन लाना संभव है। याद रखें, अपने परिवेश में स्वच्छता बनाए रखना सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। धन्यवाद।